आपका स्वागत है और इस समय हम लोग मानिकपुर नगर पंचायत में हैं, जहां पे 35 की संख्या में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और यहां का जो सियासी पारा है वो गर्मी जो लगातार बढ़ रही थी उसको मौसम ने ढक लिया है, क्योंकि यहां पे मौसम सर्द हो चुका है। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं अजय तिवारी, जिन्होंने विकास के मुद्दे को आगे ला करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ खास है आपका चुनाव चिन्ह? क्या चुनाव चिन्ह है? अलाव और आदमी। क्या लगता है अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्या कुछ बदलने वाले हैं? हमारी पूरी तस्वीर क्या बनती है? अगर जनता मुझको मौका देती है, मैं विगत 5-6 सालों से मानिकपुर में सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ, जहाँ की जनता की नब्ज को मैंने टटोला तो यहाँ पर मैंने पाया कि यहाँ की जनता एक ऐसी प्रत्याशी की मांग कर रही है जो जनता की समस्या को त्वरित हल करे, जो भी यहाँ पर जो पैसा आता है हमारी नगर पंचायत में उसको बुरी तरह से बांटा जाता है और लूटा जाता है, उस पैसे के सदुपयोग करने के लिए, और चाहे वो व्यापारी हो, आम नागरिक हो, गरीब वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, सभी लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी या ऐसा चेयरमैन बने जो मानिकपुर की समस्या में तुरंत खड़ा हो। जैसे इंस्पेक्टर राज की वजह से व्यापारी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके आगे आने के लिए, उनके बारे में लड़ने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई दिया इन 5 सालों में जिससे वो पीड़ित रहा। गरीब व्यक्ति है, अभी 2.5 लाख की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना आई, ऐसे लोगों को यहाँ पर मकान दिए गए हैं जिनके ऑलरेडी 4-5 मकान इस नगर में ही बने हुए हैं, उसके बाद भी उनको मकान मिला, जो पन्नी छाया हुआ है, जो खप्पर में रह रहा है, उसके लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी बात, समाजवादी पेंशन भी पिछले समयों में जो बटी ऐसे लोगों को मिलती रही जो वास्तविक रूप से हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन 500 रुपये समाजवादी पेंशन के लिए नगर पंचायत में और वहाँ के जो भी वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे लड़ाई करने के लिए पहुँच जाते हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए उसके बाद मानिकपुर की जो नगर पंचायत की हमारी जो पैसे खर्च करने की नीति है वो बहुत ही गलत है। नालियों को बार बार छाप के, नाले को बार बार छाप के पैसा निकाला जाता है। मेरा एक मूल एजेंडा है, मैं अगर जनता मुझको चुनती है, उस पद में मुझे बैठाती है, मैं मानिकपुर को सजाने का काम करूंगा। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूं, वहां से आया हूं, कहीं ना कहीं इलाहाबाद सिविल लाइन की छाप मैं मानिकपुर की बाजार में आसपास के एरिया में लाने का प्रयास करूंगा। नगर पंचायत का जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि उनके अधिकार क्या है, चेयरमैन क्या कर सकता है। मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि मानिकपुर का जो अगला चेयरमैन होगा, अगर आप लोग मुझको चुनते हैं तो मैं एक ऐसा चेयरमैन साबित होऊंगा जो मैं खंभों में एक ट्यूबलाइट लटका करके 48 लाख रुपए नहीं निकाल लूंगा। कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं और पार्टियों की अहमियत काफी बढ़ रही है जनता में, समाज में, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये आपका क्वेश्चन गलत है। सिंबल का क्या फर्क पड़ेगा? सिंबल का फर्क, यहाँ पर जो भी यहाँ के सामाजिक लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिंबल से फर्क नहीं रखते हैं, वो रखते हैं व्यक्ति विशेष से फर्क। जो क्षमता वाला व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वास्तविक रूप से जिसके अंदर ये टैलेंट है कि मानिकपुर नगर पंचायत को स्वर्ण युग की ओर ले जाएगा, जनता उसको चुनेगी। सिंबल देखिए, पार्टियों ने किसी भी अपने लायक सिपाही को जिसने धरातल पे काम किया है, पार्टी ने उनको किसी को चुनाव चिन्ह नहीं दिया। यहाँ पर पार्टी का इस चुनाव में कोई रोल नहीं है, लोकल का चुनाव है, सिंबल का चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी से आप भी कार्यकर्ता हैं, टिकट की आपने अप्लाई किया? हाँ बिल्कुल। तो टिकट से पहले पार्टी की अहमियत, और अब आप कह रहे हैं कि पार्टी के में नहीं रहेगी? हाँ, पार्टी एक अच्छा चेहरा अगर उतारती तो पार्टी की अहमियत रहती, चाहे वो जो पार्टी हो। पार्टी ने, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, मैं समाजवादी पार्टी में था, शिद्दत से था, श्रद्धा से था, 10 साल मैंने उसमें काम किया है, इसका गवाह पूरा जिला है, अच्छे अच्छे नेता भी जानते हैं, मुझको टिकट नहीं दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटे कार्यकर्ताओं को छोटे चुनाव में चिन्ह नहीं दिया जाएगा, छोटा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, तो सांसदी विधायकी के लिए क्या कभी वो हकदार होगा? अगर पार्टी का सिंबल देने का या पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह देने का एक ही मकसद है कि जो पैसा वाला है वही चुनाव निकाल सकता है, तो फिर ये पार्टी की सोच गलत है। आज समाजवादी पार्टी का मानिकपुर में कोई नहीं रह गया है, पार्टी ने मुझे समाजवादी पार्टी से निष्कासित भी किया, तो मैं आपके माध्यम से संदेशा देना चाहता हूँ कि उन्होंने निष्कासित नहीं किया है, मैंने उससे निकलना ज़्यादा बेहतर समझा है। ऐसे दलदल में मैं नहीं फंसे रहना चाहता हूँ जिस दलदल का पानी लखनऊ से आता है। वोटर से आप क्या अपील करना चाहेंगे? 22 तारीख को चुनाव है, कैसा कैंडिडेट चाहे चुने जनता, और आप क्या कहेंगे, क्योंकि मतदान काफी महत्वपूर्ण होता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा
मानिकपुर के जो बुद्धिजीवी लोग, मानिकपुर की जो जनता, इस समय पैसा भी बहुत तेजी से बट रहा है मानिकपुर, जनता इस पैसे के इस प्रलोभन में नहीं आने वाली है। जनता हमारी बहुत जागरूक हो चुकी है, 21वीं सदी का भारत है और मानिकपुर एक ऐसा एरिया है, मेरा मानिकपुर एक ऐसा एरिया है जो पूरे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला एक जाना जाता है और मेरा मानिकपुर भी उसमें से एक है। मेरे मानिकपुर की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो किसी को उठा करके वोट दे देगी। जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप सारे प्रत्याशियों में तुलना करिए, उनकी क्षमता देखिए, उनकी कार्यप्रणाली देखिए, उनका सामाजिक कृत्य देखिए। अगर उनमें सब में कहीं पर मैं खरा उतरता हूँ, आप तुलना कर लीजिए, अगर मैं खरा उतरता हूँ तो आप मुझको वोट दीजिए, आपसे अपील करता हूँ, और अगर नहीं उतरता हूँ तो फिर कोई मुझसे अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए।